करेंगे मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज आ मिक्स फ्रैक्शंस। ये ए से लेके एफ तक जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं इन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है और आंसर को फिर मिक्स फ्रैक्शन के अंदर दिखाना है। चलिए ए पार्ट से शुरू करते हैं। 3 × 5 1/5, यहाँ 3 होल नंबर है और आगे मल्टीप्लाई किया जा रहा है इसको एक मिक्स फ्रैक्शन से। तो मिक्स फ्रैक्शन को आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, मिक्स फ्रैक्शन से पहले आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। तो पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। 3 को तो एज इट इज लिखेंगे और इसे इम्प्रॉपर बनाने के लिए 5 × 5 = 25 और 25 में 1 प्लस करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 26 और नीचे 5 एज इट इज ही रहेगा। तरीका यही है, बीच वाले को और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं तो आपका ऊपर का नंबर आ जाता है जो रिजल्ट में आता है, नीचे सेम टू सेम रहता है। अब इन्हें हमको मल्टीप्लाई करना है तो 5 को मैं देख रहा हूं कि ना तो ये 3 से कट रहा है ना ये 26 से कट रहा है। जब ये कट नहीं रहा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 26 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 6 × 3 = 18 का 8 आ गया, ये 1 आ गया, 3 × 2 = 6 और ये 7 आ गया। तो ऊपर तो आ गया है 78 और नीचे यहाँ 5 है, 3 पे यहाँ कुछ भी नहीं है नीचे, तो 1 होता है जब कुछ नहीं होता है, तो 5 × 1 = 5 हो गया। अब ये आंसर तो आ गया लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा है कि आंसर को मिक्स फ्रैक्शन के अंदर दिखाना है। तो मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए इसका हमको डिविजन करना पड़ेगा। तो 78 को 5 से करेंगे हम डिवाइड, तो 5 × 1 = 5 हो गया, माइनस होके यहाँ 2 आ गया, ऊपर से 8 आ गया और 8 ये आ गया 25, तो 5 × 5 = 25 इसके नीचे लिखा जाएगा और माइनस करके रिमाइंडर आ गया है 3। तो ये जो 15 है ये तो है होल नंबर, इसे हम बीच में लिखते हैं ऐसे और नीचे की चीज नीचे ही रहती है जिससे हम डिवाइड करते हैं और ये जो रिमाइंडर होता है ये ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से 2 नंबर से 3 नंबर बन जाते हैं डिवाइड करके, इसी को हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। जब इसे हम वापस से सॉल्व करेंगे ना तो यही आ जाएगा जैसे यहाँ किया था ना, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, 17 × 5 = 3 प्लस करेंगे तो 78 हो जाएगा, नीचे सेम टू सेम रहेगा। तो इस इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन बनाने का ये तरीका होता है। चलिए बी पार्ट करते हैं। तो बी में भी हमें यही करना है, 5 × पहले इसको ठीक कर लेते हैं, 4 × 6 = 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो ये 27 आएगा, नीचे 4 ही रहेगा। अब 4 से ना 5 कट रहा है ना 27 कट रहा है तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ऊपर ऊपर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 27 को मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा, 7 × 5 = 35, ये 3 आ गया, 5 × 2 = 10, 11 × 12 = 13 आ गया। तो ऊपर ऊपर 135 बन गया और नीचे 4 और यहाँ कुछ नहीं है ना तो 1 है, तो 4 का 4 ही आ जाएगा, 4 × 1 = 4। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन बनाना है तो 135 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 3 = हो गया है 12, माइनस करके 1 आया, ऊपर से 5 आया और फिर से 4 × 3 = 12 पे चला गया है ये और माइनस करके यहाँ 3 आ गया। तो ये 33 तो होल है, इसे बीच में लिखा जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं आंसर, 33 बीच में लिखा जाएगा। नीचे की चीज चेंज होती नहीं है, नीचे वाला नीचे ही रहता है और जो रिमाइंडर होता है इसे हम यहाँ ऊपर लिखते हैं। तो 33 3/4 ये इसका आंसर है। चलिए सी पार्ट देखिए। सी में भी यही करेंगे, 7 तो एज इट इज रहेगा और इसको ठीक कर लेते हैं, 4 × 2 = 8 और 8 में 1 जोड़ा तो 9, तो ऊपर 9 बन जाएगा, नीचे 4 ही रहेगा। अब 4 से ना 7 कटता है ना 9 कटता है तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 × 9 = 63, ऊपर तो बन गया है 63 और यहाँ 4 है तो 4 का 4 ही लिखेंगे क्योंकि 7 के नीचे कुछ नहीं है ना, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो फिर भी 4 × 1 = 4 ही आएगा। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं तो 63 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसे डिवाइड कर लेते हैं 4 से, तो 4 × 1 = हो गया है 4, माइनस करके 3 आ गया, ऊपर से 3 उतर गया और ये 8 पे जा रहा, 4 × 8 = 32, माइनस किया तो ये 1 आ गया। तो 18 तो होल है तो 18 तो लिखा जाएगा इसमें बीच में, 18 इसमें बीच में लिख देते हैं हम यहां पे, 4 × 1 = 4, सॉरी ये गलत कर रहा हूं मैं यहाँ पे कुछ, 4 × 1 = 4 तो ठीक है लेकिन यहाँ मुझे 2 लिखना था, ये गलती हुई है,
और टू से ऊपर जब यहाँ थ्री उतरेगा तो 23 बनेगा और ये फोर फाइव पे जाएगा, फोर फाइव से यहाँ 20 हो गए, डिवीजन में गलती हुई है तो इसको आप ध्यान रखें। तो यहाँ थ्री आएगा तो 15 इसमें होल नंबर बनेगा, 15 यहाँ लिखेंगे हम, फोर नीचे ही रहेगा और रिमाइंडर यहाँ पे थ्री आ जाएगा। तो इसका मैंने ये मिक्स फ्रैक्शन बना दिया। चलिए डी पार्ट पे चलते हैं, फोर एज इट इज रहेगा, इसे ठीक कर लेते हैं। 3 6 18 18 में 1 प्लस किया तो 19 बन गया ऊपर, नीचे 3 का 3 ही रहेगा। 3 से ना 4 कटता है ना 3 से 19 कटता है, तो कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 19 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 9 36 और ये 3 आ गया, 4 5 6 7 76 बन गया। तो 76 तो बनेगा ये ऊपर और नीचे 3 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 3 1 3। अब ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा है तो 76/3 डिवाइड कर देते हैं, तो 3 2 हो गया है 6 और माइनस कर दिया तो 1 आ गया और ऊपर से ये 6 आ गया, ये 5 पे जा रहा है, 3 5 15 माइनस किया तो ये 1 आ गया। तो 25 तो इसमें होल है, बीच में लिखा जाएगा, नीचे की चीज नीचे ही रहती है और रिमाइंडर ऊपर आ जाता है, ये इसका मिक्स फ्रैक्शन हुआ ए बी सी डी। इसके बाद पार्ट करते हैं ई पार्ट, 3 1/4 × 6। तो इसको ठीक कर लेते हैं पहले, ये आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में आपको पता है प्रॉपर्टी, आगे पीछे नंबर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मिक्स फ्रैक्शन पहले हो या बाद में हो आंसर आपका सेम आता है। 4 3 12, 12 में 1 जोड़ा तो 13 आ गया, ऊपर 13 बन गया नीचे 4 ही रहेगा, इंटू यहाँ पे ये 6 है। अब 4 और 6 आपस में कट रहे हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा और इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा। अब कोई चीज कट नहीं रही है, नीचे 2 है ना, तो मैं देखता हूं कि 2 से ना 13 कटता है ना 2 से 3 कटता है, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 × 3, 13 3 हो गया है 39, नीचे ये 2 है यहां कुछ नहीं है तो 2 1 2। इसका मिक्स फ्रैक्शन बना देते हैं, 39 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 1 2 माइनस किया तो 1 आया और यहाँ ये 19 आ गया, 2 8 2 9 2 9 18 होता है, माइनस किया तो 1 आ गया। तो 19 तो होल है, ये बीच में लिखा जाएगा, नीचे का नीचे ही रहेगा और रिमाइंडर ऊपर आ जाता है। चेक करें, 19 2 38, 38 में 1 जोड़ा तो 39 ठीक आ रहा है। एफ पार्ट देखिए, 5 3 15 16 17, तो ऊपर हो जाएगा 17, नीचे रहेगा 5, इंटू में 8 है, 5 से ना 17 कटता है ना 5 से 8 कटता है, तो ऊपर ऊपर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 17 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 8 56, ये 5 आ गया, 8 1 8, 9 10 11 12 13, 136 ऊपर आ गया है, 136 नीचे 5, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 5 1 5। इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए इसे करना पड़ेगा डिवाइड, 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 2 10, माइनस किया तो 3 आया, ऊपर से 6 उतारा और ये जा रहा है आपका 7 पे, 5 7 35, माइनस करके 1 आ गया। तो 27 तो होल है, ये बीच में लिखा जाएगा और यहां पे ऊपर 1 आएगा और नीचे की चीज नीचे ही रहती है। तो ये बना दिया इसका मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का सिंपली यही मतलब होता है कि 27 चीजें कोई पूरी पूरी हैं और जो बाकी जो 28th चीज है ना उसका 1/5 पार्ट, यानी 27 पूरे हैं और बाकी जो 28th जो चीज है उसका 5वां पार्ट, यानी इतना। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, फाइंड ए पार्ट है और बी पार्ट है, यहाँ पे 1/2 ऑफ 1 और 2, यानी 1/2 निकालना है आपको, इसका भी निकालना है ये जो वैल्यू और इस वैल्यू का भी निकालना है। चलिए इसको शुरू करते हैं ए पार्ट से, तो 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई पहले निकालना है 2 3/4 का, ये है फर्स्ट पार्ट, और 1/2 ही निकालना है बी पार्ट का, जो सेकंड पार्ट है, यानी 4 2/9। ये 1/2 इस वैल्यू का भी निकालना है और 1/2 इस वैल्यू का भी निकालना है, दो वैल्यूज है आपकी। चलिए यहां से सॉल्व करते हैं इसको, तो 1/2 तो एज इट इज ही रहेगा,
लेकिन आगे ये मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना जरूरी होता है। तो 4 2s are 8, 9 10 11, तो ऊपर 11 बन जाएगा और नीचे 4 का 4 ही रहेगा। ये तरीका होता है, नीचे वाले को बीच वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें ऊपर वाला प्लस कर देते हैं, तो हमें ऊपर वाला नंबर मिल जाता है जो यहाँ लिखा जाता है, नीचे का सेम रहता है। अब 2 और 4 ये नीचे है, 2 और 4 से ऊपर कोई भी नंबर नहीं कट रहा, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 11 1s are 11 और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 2s are 8। अब 11 अपॉन 8 आ गया है, 11 अपॉन 8 को हम मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं जब भी आपका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर को बना सकते हैं और बेहतर होता है कि उसे बना दें। तो 11 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 1s are 8 माइनस करके आ गया 3। तो ये 1 जो है ये होल नंबर है, तो 1 बीच में लिखा जाएगा, नीचे की चीज नीचे ही रहती है और ये जो रिमाइंडर होता है ये ऊपर आ जाता है। इस बात का ये मतलब है कि कोई एक चीज तो पूरी है और जो दूसरी वाली चीज है ना उसका 3/8 पार्ट है। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। इसी का सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट में हमें 1/2 ऑफ 4 2/9 निकालना है। तो 1/2 तो एज इट इज ही रहेगा, मल्टीप्लाई इसे हमें ठीक करना पड़ेगा। 4 9s are 36, 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा और नीचे 9 का 9 रहेगा। अभी 2 और 38 ये मुझे कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब भी नंबर आपका एक ऊपर हो एक नीचे हो और सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हो तो वो कट जाते हैं। ये 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, 38 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू 19 आ जाएगी। अब कुछ नंबर ऊपर नीचे नहीं कट रहा, तो ऊपर है 1 multiply 19 यानी 19 1s are 19 और नीचे 9 1s are 9। अब ऊपर बड़ा नंबर है ना, तो इसका मैं मिक्स फ्रैक्शन बना लेता हूँ, तो 19 को 9 से डिवाइड कर लेता हूँ, 9 2s are 18 और माइनस करके ये 1 आ गया। तो 2 तो होल है, बीच में लिखा जाएगा, 9 नीचे है नीचे ही रहेगा और ये जो 1 रिमाइंडर है ये ऊपर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हुआ। ये मैंने ए पार्ट कर दिया है, चलिए अब बी पार्ट करते हैं इसका। तो बी पार्ट करने के लिए बी में मुझे 5/8 ऑफ ये दोनों की वैल्यू बारी बारी लेके इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो अभी मैं क्वेश्चन बी कर रहा हूं, तो 5/8 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और पहले मुझे निकालनी है वैल्यू 3 5/6।